शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है वो सरकार की आतंकवादियों के बच्चों को जो छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है उसके खिलाफ है। हमारी ये मांग है कि इस घोषणा को जल्द से जल्द रद्द किया जाना चाहिए। देखिए धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटे हुए 10 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, आज भी केंद्र सरकार के पास जम्मू कश्मीर को लेकर कोई ठोस नीति नहीं है। तमाम पुरानी योजनाओं को हूबहू यहाँ पर लागू किया जा रहा है। हमारे जनता की जो है वो गाड़ी कमाई को सरकार कैसे आतंकवादियों के बच्चों पर निछावर कर सकती है, ये हमारी समझ से परे है। अगर हमारे माननीय उपराज्यपाल जी को और बीजेपी के नेताओं को आतंकवादियों के बच्चों के साथ इतनी ही सहानुभूति है तो हमारा उनकी राय है कि उनके बच्चों को ये लोग गोद ले लें। इसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हमारी सरहदों पर और कश्मीर के अंदर सुरक्षा बल अपनी जान पर खेलकर लगातार आतंकवाद का सफाया कर रहे हैं और यहाँ पर सरकारी योजनाओं के तहत आतंकवादियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देकर उनको जो है कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरी तरफ पिछले 73 सालों से लगातार जम्मू से लेने और कश्मीर को देने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। शिवसेना ये चेतावनी देती है कि ये प्रक्रिया के ऊपर पूर्ण विराम लगे और आतंकवादियों को जो छात्रवृत्ति दी जा रही है वो योजना को तुरंत यहाँ पर रद्द किया जाना चाहिए, नहीं तो शिवसेना सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन पर मजबूर होगी।